आप सबसे पहले अपना नाम और अपने पंचायत का नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद फजमेर मंसूरी हुआ, ग्राम पोस्ट बैसी जहांगीरपुर, प्रखंड रंगरा चौक, जिला भागलपुर, वार्ड नंबर 3। तो आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप पिछले 5 साल तक वार्ड नंबर 3 से वार्ड सदस्य रहे, तो आपने क्या क्या काम किया? मैं पिछले 5 साल से वार्ड नंबर 3 में मेरी भाभी प्रतिनिधि थी, हम कार्यकर्ता थे। और पिछले 5 वर्षों में हमने जहाँ तक संभव हुआ वहाँ तक हमने काम किया, जैसे में 7 निश्चय का गली नली और पेयजल का काम किए, और कुछ ऐसा भी गली हमरे से काम करने में बच गया है जो हम पूरी तरह से अब तक काम नहीं कर पाए हैं, 5-6 गली ऐसा बच गया है। उम्मीद करते हैं पद पर आ जाएंगे तो उसके बाद हम सारा ही काम कंप्लीट कर देंगे। जिस गली के बारे में आप बात किए तो उसके बारे में काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, तो आप उस पर खुल के बताएं कि क्या प्रॉब्लम हुई आपको, जो आपने पिछले 5 साल तक आपको मौका था आपने वो काम नहीं कराया, क्या वजह रही? उस गली में कारण था क्या कि पहले PCC का बात हुआ तो हम PCC का एस्टीमेट बनवा लिए, जय साहब से को बोले सर ऐसे ऐसे बात है, PCC का काम होगा, 5-6 गली ऐसा है, तो बीच में फिर एरचन लगा दिया गया कि पहले नाली तब उसके बाद PCC होगा, तो एस्टीमेट तो मेरा PCC का बना था, तो इसी कारण से काम बाधित हो गया। आपके पास तो 5 साल का वक्त था, फिर दोबारा क्या आपको मौका नहीं मिला? दोबारा फिर पंचायत से पैसा नहीं मिला, पंचायत के अंदर पैसा ही ख़त्म हो चुका था, इसलिए काम बंद हो गया। चलिए अब हम अगले सवाल के जानिब बढ़ते हैं। नल जल योजना के तहत आपने कहाँ तक काम करवाया है? नल जल के योजना के बारे में जहाँ तक मेरा कहना कि हम 170 घर में नल लगवाएँ और 2 टाइम पानी सुबह शाम मिल रहा है। कुछ ऐसा घर है जहाँ पानी नहीं जाता होगा, इसी कारण से आपको शिकायत मिल रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि उस घर तक भी पानी पहुँचाने का हम कोशिश पूरा करेंगे। आप उर्दू प्राथमिक विद्यालय के अध्यक्ष हैं, क्या वहाँ सही से पढ़ाई लिखाई हो रही है? जी अभी तो फिलहाल सही से चल रहा है, इससे पहले कुछ गड़बड़ था तो हम लोग जाके वहाँ बात किए सर टीचर लोग से, तो बोले ठीक है आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो सर लोग अब क्लास बच्चे का ले रहे हैं, जो तरीका है पढ़ाने का उस तरीके से बच्चों के लोग को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखने के लिए ऐसा भी मिला है कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसे का खा से अंगा तक भी नहीं आता, जो 1 और 2 में पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? वो टीचर का भी कुछ कमी है, कुछ बच्चों लोगों की कमी है। टीचर तो जहाँ तक बच्चे को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच्चा इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे, नहीं गौर कर रहे हैं। अगर बच्चे ध्यान दे दें तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो आपका कहना है कि टीचर फोकस करते हैं, बच्चे कुछ पीछे रह रहे हैं? जी। तो आपने मनरेगा के तहत अपने वार्ड में कहाँ तक काम किया है? मैंने मनरेगा के काम अपने वार्ड में मस्जिद में मिट्टी भरवाएं, ईदगाह में मिट्टी भरवाएं और मदरसा में मिट्टी भरवाएं, जहाँ तक हुआ कि इसमें पार्टनरशिप रह के हम हुए और हकीम जी हुए, दोनों मिलके पार्टनरशिप पे मिट्टी भराई का काम करवाएं। जहाँ तक मस्जिद में मिट्टी भराई का काम है, ऐसा देखने को मिला कि उसका क्रेडिट कोई और ले रहा है? नहीं, वो अलग सी बात है, लेकिन हम जहाँ तक जान रहे हैं कि इसमें काम किए हैं तो पार्टनरशिप पे ही काम किए हैं, हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है। यानी इसने कोई अपने तरफ से सिर्फ अकेला उसमें काम नहीं किया है? नहीं किया है। और अगला सवाल आपसे ये है कि 7 निश्चय योजना के तहत आपने कितना काम किया है? 7 निश्चय योजना के तहत मैंने बहुत सारा काम किया, जैसे में मदरसा से लेकर कब्रिस्तान के गेट तक PCC का निर्माण किए, दूसरा फिर मैन सड़क से लेके अहमद हुसैन के घर तक काम करवाएं, फिर मैन सड़क से लेके फारूक के घर तक PCC का काम किए, और उसके बाद मैन सड़क से लेके गुलफराज के घर तक PCC का काम करवाएं, उसके बाद फिर मैन सड़क से लेके मंजूर के घर तक PCC का काम करवाएं, और जुल्फान के घर से जुम्मन के घर तक PCC का काम करवाएं, फिर जकीर अहमद के घर से लेके कासिम के घर तक PCC गली का निर्माण किए काम किए। तो ये PCC की बात थी। नाला का आपने कहाँ तक काम किया है? जी नाला का कोई काम नहीं किया अब तक। क्या आपके वार्ड में नाला की ज़रूरत है या नहीं? जी ज़रूरत है। अभी तक बना या नहीं? जी पंचायत के अंदर पैसा की कमी हुई, इस कारण से नहीं बन पाया नाली, उम्मीद करते हैं कि क्या बन जाए फिर दूसरा, तो नाली का भी काम करेंगे। क्योंकि यह शिकायत आई है कि नाली तो बगल में देखने को मिलता है लेकिन वहाँ कोई रास्ता नहीं है जो घर का पानी नाली तक पहुँचे, इस पर आप क्या बोलेंगे? जैसे मेरा सोच है क्या
कि हम अपने वार्ड का बात बोल रहे हैं कि हम नाली का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले मैन नाली हम निकालेंगे, मतालिम बाबू के दरवाजे से बीच से हम नाला निकालेंगे, बीच रोड फाड़ के उसके बाद नाला हम आगे लेके जाके पुराने वाले नाला में मिला देंगे, उसके बाद हर गली का काम करके उस गली का काम करके मैन नाली में जोड़ देंगे, सब गली में नाली और पीसीसी करते हुए निकल जाएंगे। स्कूल के बगल में जो एक दो घर है वहाँ पे गली जो है काफ़ी बुरी हालत है उस गली की, उस पर अब तक कोई काम क्यों नहीं हुआ? उस गली में कुछ कारण था जो काम नहीं हो पाया। तो इससे पहले जो दो नंबर के वार्ड थे शुभचंद रविदास, तो उनका कहना था कि उस गली में मेरा कुछ दोस्त है, उस गली का काम हम खुद स्वयं करेंगे। तो हम भी सोचें कि अगर काम कोई भी करे पंचायत के अंदर तो काम होना चाहिए, काम में बाधित नहीं होना चाहिए। तो शुभचंद्र स्कूल वाला रोड जो डाल रहे थे, हम सोचें उसी रोड जो डाल रहा उस रोड के साथ ही उस गली वाला काम हो जाएगा, लेकिन शुभचंद्र ऐसा किया नहीं। तो इसमें कमी मेरा भी हुआ जो हम मानने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले 5 वर्षी में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे उसको। आपके वार्ड में कहीं भी सोलर लाइट दिखाई नहीं पड़ता है, क्या वजह है? पिछले 5 वर्ष में यहाँ सोलर लाइट प्रत्येक वार्ड को 3-3 सोलर लाइट मिला था, जिसमें कि एक सोलर लाइट मस्जिद के पास लगवाएं, दूसरे मोतालिम बाबू के दरवाजे के पास लगवाएं, और एक हम अपने पास लगवाए थे जो अभी अब तक 3 वेपर आया, तो 3 वेपर लगा चुके हैं जो अभी तक वर्तमान में जल भी रहा है और चल भी रहा है। और किसी कारण बस मुखिया जी फिर वेपर का हम लोग डिमांड किए तो मुखिया जी वेपर का कोई उद्देश्य नहीं निकला, कोई चारा नहीं था कि वेपर फिर से लाया जाए, तो पैसा फिर काम नहीं हो पाया वेपर का। तो उम्मीद करते हैं कि वेपर का भी आगे काम होना चाहिए। क्या आपके वार्ड में जल जीवन हरियाली का कोई भी फंड आया है कि नहीं? जी नहीं, सोखता का कोई भी काम नहीं है। क्या आपने कभी मांग रखा? मांग रखे हैं बहुत, लेकिन अब तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किसने आपके बातों पर कोई कार्रवाई नहीं की? पंचायत के अंदर में ही जैसे मुखिया जी के आम सभा हुआ, आम सभा में हम लोग लिखित दिए, पारित किया मुखिया जी, उसके बाद आज होगा काम नहीं होगा, क्या हुआ नहीं हुआ, बस आम सभा में लिखित रूप से हम लोग दे दिए, लेकिन आम सभा में पारित हुआ पास हुआ या नहीं हुआ तो सोखता नहीं बन पाया। इस पर हम कुछ आगे करेंगे जो पूरा काम हो सके, सोखता का भी ज़रूरत है। क्या आप इस मरतबा फिर से वार्ड उम्मीदवार रहेंगे? जी इस बार, पिछले बार तो भाभी उम्मीदवार थी, इस बार खुद हम ही उम्मीदवार हैं। तो इस मरतबा अगर आपको जनता ने सपोर्ट किया और आप बन गए तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? अगर इस बार जनता चाह लिए तो हम हर पोल में सोलर लाइट और CCTV कैमरा और कूड़ेदान का डिब्बा लगा देंगे हर गली में, जो गली छूटा हुआ है नाली का और PCC का सारा काम हम करवा देंगे। आपके वार्ड में कौन सा मेन मुद्दा है जो आप उसको करना चाहेंगे? मेरा मेन उद्देश्य और मेन मुद्दा है कि गोपी पुल से लेके हरिजन महादलित मोहल्ले तक मिट्टी भराई प्लस ईट सोलिंग और PCC का मेन उद्देश्य मेरा यही रहेगा, मेरा यही संदेशा है। इस 5 वर्षी में अगर जनता चाह लिए हमको तो गोपी पुल से लेके महादलित टोला तक मिट्टी भराई प्लस ईट सोलिंग करवाने का पूरा कोशिश हम करेंगे।